दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों में ही आपको सेकेंड सेमेस्टर के प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिला करेंगी। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ से आपका जो है वो सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है डिटेल कॉन्टेंट्स में इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है वो पॉइंट आपको आएंगे, जिसमें पहला है 1.1। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद 1.2 है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन। उसके बाद 1.3 है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, और 1.4 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और 1.5 है इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शन। तो ये सारे जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स दिए गए हैं, ये सारे आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वही सारा चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। और 10th वालों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और ये पूरा जो सिलेबस है वो लगभग 12th क्लास का लेवल का ही है, क्योंकि यहाँ पे इसमें पूरा इंटीग्रेशन है और उसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। सेकेंड जो आपको पढ़ना है वो है इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और उसके बाद से 2.2, 2.3 में जितने भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताने पे वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है दोस्त। सो आइए, उसके बाद से तीसरा जो आपका चैप्टर पढ़ना है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, टू डायमेंशनल में, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल में आपको पढ़ना है। 3.1 में जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया, डायमीटर फॉर्म हो गया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, 12th क्लास में पढ़ के आएंगे आए हैं, ठीक है। तो ये सारे में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पर इन सभी चीज़ों की वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों की वीडियोस आएंगी हमारे चैनल पे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन रखिएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद से आपको चौथा लेसन पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड डायमेंशन, ठीक है। तो सेकेंड डायमेंशन के बाद से आपको थर्ड डायमेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स इन स्पेस, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन स्पेस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, स्पेस में। एंड उसके बाद से डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विदाउट प्रूफ। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है आपके सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये पूरा जो है वो इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलस समाकलन आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब उसके बाद से उसके पार्ट को आप हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपको इंटीग्रेशन कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवरऑल अगर हम कहें तो यही आपका सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर में। सो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, मुझे बताना ज़रूर नीचे कॉमेंट्स में। एंड अगर आपको पसंद आया है वीडियोस तो हमें लाइक करके बताइए, एम करते हैं 150 लाइक्स का, उम्मीद है आप पूरा कर देंगे। एंड अगर आप पूरा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बहुत जल्द मिला करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।